का ये पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियां हजार। आप सबको स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पे। शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिलहाल मैं अभी शाम के टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ। ये दीपावली का दिन है जो और हम लोग चलेंगे घूमने के लिए और मेरे पीछे लाइट देख पा रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा जो पंडाल सजा रहा था इतना दिन से जो बना रहा था, तो हम लोग वहीं पे चलेंगे घूमने। और कितना अच्छा से इंटीरियर डेकोरेशन किया है और सारा देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। और हम लोग घूमने चलेंगे अभी फिलहाल, तो चलते हैं वहीं पे और दिखाता हूँ किस तरह से सजाया है। गोल्डन जुबली है, 50 साल पूरा हो रहा है इस काली पूजा पंडाल का, यहाँ पे जो बनाते हैं। बने रहिए वीडियो पे, मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे साउंड आ रहा है पीछे से कोई बाजो भी है, तो चलते हैं वहीं पे और मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ। गाइज, ये जो बैंड बाजा आपको देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है, ये आया हुआ है MP जबलपुर से स्पेशल इसी पूजा के लिए। और यहाँ पे सब पब्लिक का मनोरंजन कराते हुए ये भी एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। और मैं आगे दिखाऊंगा, आगे अगर आप बोलेंगे तो इसी बैंड बाजा का ही एक फुटेज लेकर आऊँगे। बहुत सारे फुटेज मेरे पास है, यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिसके कारण मैं पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो पे और देखते रहिए आगे। कहाँ गया रिक्शा, चलाते चलाते किधर चल गया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस फाइनली हम लोग एंट्री कर चुके हैं पंडाल की और रास्ते पे, और यहाँ पे फ्लोर पे और ऊपर से साइड से इस तरह का फ्लोर पे तो मैं पहली बार चल रहा हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और सेल्फी की बारिश हो रहा है यहाँ पे और सब कोई बहुत मज़ा ले रहे हैं, बहुत ही आनंद उठा रहे हैं यहाँ पे इस फ्लोर पे चलने का। और इस तरह से लग रहा है कि ये अंडरग्राउंड रास्ता है जो कि जा रहा है पंडाल की ओर। और ये देखिए सेल्फी सेल्फी ही सेल्फी चारों तरफ देखने को मिलेगा। और अब बने रहिए और अब भी बस पहुंचने वाले मंदिर पे हम लोग। तो गाइस फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और जिस मूवमेंट का हम लोग का बेसब्री से इंतज़ार था वो यही है कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं पंडाल पे, और इस पंडाल ही है यहाँ पे जो आकर्षक का केंद्र बना हुआ था। तो हम लोग इसी गेट के थ्रू अभी एंटर करेंगे, अंदर जाएंगे मंदिर का। और तो मेरे पास शब्द नहीं है ऐसा कि इसके तारीफ में कुछ बोलो, इस मंदिर की पंडाल के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। बस आप बने रहिए वीडियो पे और देखते रहिए, मैं छोटा छोटा हर एक डिज़ाइन दिखाऊंगा और अंदर का डेकोरेशन जो भी कितना खूबसूरत सा बना है, मतलब
मतलब क्या ही बताए इसके बारे में, बस आप बस देखते रहिए और अपने आप में जो बोलना है आप कमेंट में बोल दीजिए कि कैसा लगा और कैसा आपको देखने के बाद कैसा लगा, डिज़ाइन कैसा बना और कितना अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा बना हुआ है कि अगर किसी के पास मोबाइल है और वो पॉकेट में है, ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ पे घुसने के बाद इस पंडाल पे। और मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ इस पंडाल पे और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऊपर से लेके दीवारों का सजावट और डिज़ाइन जो किया हुआ है, और यहाँ पे सारे लोग अपना अपना मोबाइल निकाल के इस फाइल को कैद करना चाह रहे हैं कि इस मोमेंट को अपने मोबाइल पर रखे और आने वाला दिन पे वो लोग इसको देख के याद करें इस पंडाल को, इस मंदिर को और इस माँ के दर्शन करके यहाँ पे। तो मैं वही चीज़ आपको दिखाना चाहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको देखिए और अगर शेयर करने लगता है कि शेयर करना लायक है तो कर सकते हैं। तो अब भी अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए इस दिवाली में। और ये दिवाली दीपों का दिवाली है, लाइटों का दिवाली है, सब मिल के मनाएं अच्छे से खुशियाँ। तो गाइस फिलहाल हम लोग फाइनली वापस आ चुके हैं अपना पंडाल से वहाँ पे घूम फिर के, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बताइए, कमेंट कीजिए किस तरह से सजाया है, कैसा लगा वीडियो आपको, और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और पटाखा का शोर अभी भी आ रहा है क्योंकि दिवाली का अभी पटाखा चलेगा कंटिन्यू, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।